हाय, आई एम डॉक्टर सपना बांगर और आज हम बात करने वाले हैं फियर ऑफ फेलियर की. फियर ऑफ फेलियर कई लोगों में पैदा हो जाता है, जहाँ पे वो इतने डर जाते हैं फेलियर से कि वो चांस ही नहीं लेते. वो किसी भी डिसीजन लेने से पहले इतना सोचते हैं कि तब तक वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी उनमें रियलाइज नहीं होती उनको. बिकॉज ऑफ दिस क्या हो जाता है कि आपकी वर्क लाइफ पे बहुत स्पेशली वर्क लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट कर जाता है. कहीं ना कहीं वो लोग स्टैगनेट हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती कंपनी में, वो जहाँ है वहीं पे रह जाते हैं और बाकी के सारे लोग प्रोग्रेस कर पाते हैं. दूसरा कि वो उनका माइंडसेट ऐसे हो जाता है कि छोटे प्रॉब्लम से वो डर जाते हैं, वो कहीं इनोवेट या इमेजिनेटिव सॉल्यूशंस नहीं ला पाते, क्योंकि उनका इतना उनके अंदर डर बैठ जाता है कि अगर ये कामयाब ना हुआ तो क्या होगा. तो उसके वजह से वो सॉल्यूशंस ढूंढना या नए सॉल्यूशंस ढूंढना बंद कर देते हैं. कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाते हैं कि वो अपने आप को वॉलंटियर नहीं कर पाते, कहीं कह नहीं पाते कि मुझे ये करना है और दूसरे लोग वो अपॉर्चुनिटीज़ ले लेते हैं और बाद में गिल्टी भी लगता है कि काश मैंने ये कर लिया होता. तो देर इज़ अ लॉट ऑफ गिल्ट ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ एंड कहीं ना कहीं ये सबकी वजह से कॉन्फिडेंस चला जाता है. देर इज़ अ डिक्रीज कॉन्फिडेंस और ऐसे लगता है कि यू नो योर सेल्फ वर्थ स्टार्ट्स रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस. तो क्या कर सकते हैं हम ये चेंज करने के लिए दिस फियर ऑफ फेलियर जो होता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लुकिंग एट फेलियर, वो पर्सपेक्टिव चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, सबके लाइफ में फेलियर्स आते हैं, सबको उनको फेस करना पड़ता है. तो टू थिंक कि मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, लेकिन वो फेलियर कैसे उसको एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है. एटलीस्ट आई ट्राइड, एटलीस्ट यू नो व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम फेलियर सो दैट आई डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन, सो दैट आई ग्रो फ्रॉम दीज मिस्टेक्स. बिकॉज अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप पहले ही हार मान रहे हैं. सो कोशिश करके हार जाना इज मच मोर ईजियर और इम्पॉर्टेंट रादर देन कोशिश ही ना करें. सो चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स फेलियर इज वेरी इम्पॉर्टेंट. सेकेंडली, सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम योर कलीग्स, फ्रॉम योर सीनियर्स, फ्रॉम प्रोफेशनल्स. तो अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप स्टक हो रहे हैं, तो सीकिंग हेल्प इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इन्वेस्टिंग टाइम इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अगर आप उसमें टाइम और अपना एफर्ट्स डालें कि आप कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव कर रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली प्रोफेशनली डेवलप हो रहे हैं, दैट विल सम वे हेल्प यू कि आप, वो इतना आपको कॉन्फिडेंस दे देगा कि आप अपने वॉलंटियर करें उस एक्टिविटी के लिए. एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट, सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज रादर देन थिंकिंग कि मैं फेल हो गया. ये सेलिब्रेट करना कि मैं यहाँ तक पहुँचा, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो छोटे स्टेप्स लें, छोटे स्टेप्स को सेलिब्रेट करें, छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करें. सो यू नो, changing perspective about failure, looking at failure as a growth opportunity, professional development and seeking help or support. Thank you.